मसाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है काले चने का सूप बनाना। तो आइए बनाते हैं काले चने का सूप। काले चने का सूप बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम चने लिए हैं। इनको हमने भिगो दिया था और इसे अच्छे से धो लिया है। इसका हमने सारा पानी निकाल लिया है। सबसे पहले हम इन चनों को बॉईल करेंगे। ये मैंने कुकर लिया है, चने मैं कुकर के अंदर डाल दूंगी और अब मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी, एक गिलास पानी और डालूंगी। मैंने टोटल इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं और एक छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूं। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इन चनों को बॉईल करने के लिए छोड़ देती हूँ। इसमें मैं 5 से 6 सीटी लगा लेती हूँ। जब तक हमारे चने उबलते हैं तब तक हम ये सामान चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा धनिया लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। एक चम्मच मैंने अरारोट लिया है और ये थोड़ा सा बटर लिया है। तो आइए छोले उबलने तक का हम इंतजार करें। ये हमारे कुकर में 6 से 7 विसल आ चुकी हैं। अब मैं इसकी स्टीम निकलने का इंतजार करूंगी। जब तक ये हमारी स्टीम निकलती है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी और ये मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां ली हैं और मैं इसमें ये लहसुन डाल दूंगी। आपका मन चाहे इसे डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो लहसुन को। अब मैं इसमें थोड़े से प्याज डाल दूंगी। ये मैंने एक प्याज लिया था, इसमें से मैं 1/2 प्याज इसमें डाल दूंगी। ज़्यादा नहीं भूनूंगी प्याज को और साथ ही मैं ये अदरक डाल दूंगी, इसे भी हल्का सा भून लूंगी। इधर हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है। चनों को हम चेक कर लेते हैं और ये हमारे चने अच्छे से गल चुके हैं। मैं चने का ये पानी अलग कर लेती हूँ। ये मैंने छलनी ली है और एक बाउल लिया है, इस चनों को मैं इसमें छान लूंगी। मैंने चनों का पानी लिया है, इससे मैं सूप तैयार करूंगी। चने का पानी मैं इसमें निकाल दूंगी। ये मैंने अरारोट लिया है 1 चम्मच, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसे मैं मिक्स करूंगी। अब मैं इसे इस सूप के अंदर डालूंगी, इससे हमारे सूप का फ्लेवर बिल्कुल फ्लेवर हमारा मार्केट जैसा आएगा इसका। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल दूंगी और 1/4 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी पिसी हुई और 1/4 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने उबालते हुए भी इसमें चनों में नमक डाला था। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं इसमें और इसे मैं थोड़ा सा पकने दूंगी। साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी, थोड़ी सी मैंने गाइनिस के लिए बचा ली है हरी मिर्च। और ये हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी
खट्टे चने का सूप कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है। ये मैंने एक बाउल में सर्व करा है और अब मैं ये इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालूंगी। चने के सूप में नींबू का रस बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही मैं ये कटे हुए प्याज बचाए हुए हैं मैंने इसमें डाल दूंगी। और ये बॉईल हुए चने भी इसमें डालूंगी मैं। और अब मैं इसमें ये हरा धनिया डाल दूंगी और ये मैं बटर ऊपर से डाल दूंगी। और ये हमारा सूप चने का बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।